ये एसएससी सीएचएसएल 2015 में आया हुआ था। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब 20% मतलब 100 रुपये का अगर माल है तो 120 रुपया उस पर लिख डालता है और उस पर 5% की छूट देता है, तो उसकी लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए, ये स्टेप ऑमिट मेथड है जिसमें हम कोई टेक्स्ट नहीं लिखते हैं और हम मनी मन जो चीज को लिखना है मनी मन दोहराते हैं। तो चलिए हम करते हैं। 20% अधिक मूल्य पे था जो उसका कीमत था, कॉस्ट प्राइस था, उससे 20%। तो पकड़ लिया कि 100 रुपये का माल था, उसने उस पर 120 रुपये का लिख दिया और उसमें बोलता है कि 5% की छूट देता है। अगर 5% की छूट देता है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 120 रुपये में 10% का छूट देता तो कितना होता? 12 रुपया। और 5% नेचुरली आधा हो जाएगा, 6 रुपया। तो उसने वो 100 रुपये का माल था, 20 रुपया कमा रहा था, अब 20 रुपये से 6 रुपये का छूट दे दिया तो 14% जो है उसकी प्रॉफिट हुई। तो देखिए, ये इसमें हमने जो ये जो आप करते हैं तो ये 14% हमने डाल दिया। अब देखिए, ये जो आप कर रहे हैं ये कभी 5 सेकंड से ऊपर लगता ही नहीं है। और दिस इज द आप क्या बोलते हैं कि ये है जो स्टेप ऑमिट मेथड का है। चलिए एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, अपने तरीके से पढ़ते हैं, हम कैसे लिखते हैं। चलिए, 100 रुपये का कोई सामान था, 20% का प्रॉफिट करके वो एमआरपी बना रहा है, तो 120 रुपया। 120 रुपये में वो आपको 5% का छूट देता है तो 120 रुपये का 10% होगा 12 रुपया, तो 5% आधा होगा बराबर 6 रुपया। अब देखो, यहाँ 20 रुपया कमा रहा था, 20 रुपये से 6 रुपया उसने छूट दे दिया तो प्रॉफिट हो गई 14%। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।